चैनल सब्सक्राइब कर देना शेयर करना इस वीडियो को और लाइक भी करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो बच्चों आज हम टाइप ए न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं टाइप बी सी एंड डी भी है जो आगे एक दो दिन में एक एक करके आएगा अभी देखो बच्चों यूजुअली मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूं आई एम अ बायो एंड अ केमिस्ट्री टीचर बट आपने बोला तो फिजिक्स हम शुरू कर रहे हैं अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है तो माफ कर देना उसको कमेंट्स में पोस्ट करना आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल फो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आया कहाँ से आया वो समझ लेते हैं पहले चलिए इमेजिन करो हमारे पास अर्थ है ठीक है एंड हमारे पास है सन अभी अर्थ का जो मास है वो है एम वन सन का जो मास है वो है एम टू एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर काफी सिंपल बात है एम वन हो गया एम टू हो गया आर हो गया अब अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है वो फोर्स है एफ नाउ दिस एफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा साइन जो आपको दिख रही है अल्फा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये एफ किसके ऊपर डिपेंड करता है एम वन मल्टीप्लाइड बाय एम टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ अर्थ एंड सन ठीक है बच्चों अपॉन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर तो हो गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन एफ एम टू अपॉन आर स्क्र काफी सिंपल है यहां तक अभी मुझे वो अल्फा का जो साइन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन उसको निकालना है तो वहां पे मुझे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा एक कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी दैट इज जी तो हमने यहां पे डाल दिया जी ठीक है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर अब ये जो जी है इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इन टू टेन टू द पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हमें कौन से -कौन से फॉर्मूला लगने वाले सबसे पहला तो ऑब्वियसली एफ का फॉर्मूला है जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये हमें लगेगा दूसरा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू मा मास इंटू एक्सलेशन इसको आप याद रखने के लिए बोल सकते हो फादर इक्वल्स टू मा एफ इक्वल्स टू मा काफी सिंपल एंड हमने स्टैंडर्ड में थ्री इक्वेशन पढ़े हैं पढ़े हैं हैं वो भी हमें लगने वाले हैं। सबसे पहला है v U बाबा अब मुझे बताओ ये इक्वेशन में किस चीज के बीच में रिलेशन आपको पता चल रहा है एक तो वेलोसिटी है और एक तो टाइम है सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ठीक है इसको कैसे यूज करना है कहां यूज करना है ये सारी बातें आपको बताऊंगा दूसरा वी स्क्वे इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू ए एस ये तो यहां पे आपको किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप पता चल रही है एक तो वेलोसिटी है और एक तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट ठीक है बच्चों तो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आ गया आ गया एंड तीसरा फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर तो इसमें आपको किस चीज के बीच में रिलेशनशिप पता चल रही है एक तो एस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड दूसरा है टी टी मतलब भाई टाइम तो देखियो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम तो ये तीन काइनामेटिकल इक्वेशन हमें लगेंगे एंड दूसरे दो फोर्स के जो फॉर्मूला है ऊपर वो हमें लगने वाले हैं ठीक है चलिए आगे जाते हैं तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिस इज अ अड एग्जांपल विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक हम पहले सोल्व देखेंगे फिर हम टेक्सुअल क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन महेंद्र भाई एंड विराट भाई आर सेटिंग माही और विराट बैठे हैं चलो बाकड़ा लगा दिया ये आ गया माही और ये आ गया विराट बैठे हैं दोनों एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम इच अदर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वन मीटर का है ठीक है देर मासेज आर सेवन के जी एंड एटी के जी रेस्पेक्टिवली तो माही का वेट है भाई 75, एंड विराट का वेट है 80 kg तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम काफी सिंपल ना हमें एफ फाइंड करना है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट चलिए देखते हैं गिवन देखते हैं पहले आर आर मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में वन मीटर का लिख दिया 1 मीटर फिर मास ऑफ महेंद्र m1 75 kg दिया है मास ऑफ विराट m2 80 kg दिया हुआ है ठीक है जी की वैल्यू हमें पता है सेम रहती है सिक्स पॉइंट सिक्स पर केजी स्क्वायर ठीक है तो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है सिर्फ वैल्यू को पुट करना है अभी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है तो उसको मैं सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बताता हूं आपको देखो फोर्स पहले तो भाई जी का वैल्यू डालेंगे सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन जी आ गया इन टू एम वन एम वन क्या है, R square, R क्या है? 1, 1 square, अभी तो वन ही होता है तो नीचे तो कुछ होने वाला नहीं है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है पूरा गेम न्यूमिरेटर में होगा ठीक है पावर माइनस इलेवन वैसा ही है सेवेंटी फाइव इंटू एटी अगर आप करो करके देखो तो आपको मिलेगा सिक्स थाउजेंड आपको बता देता हूं कितना आता है सिक्स थाउजेंड ठीक है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया अब तक सिर्फ सेवेंटी फाइव इंटू एटी किया फिर सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन वैसा ही रखा है अब ये जो सिक्स थाउजेंड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री

आप भी नोटबुक में करके देखिए मल्टीप्लीकेशन तो आपको आना चाहिए थोड़ा सा करने के लिए इतना तो आना चाहिए तो इसका आंसर आएगा आपको फोर्टी पॉइंट जीरो टू ठीक है इन टू टेन टू द पावर माइनस इलेवन एंड टेन टू द पावर माइनस थ्री है तो क्या होता है भाई इंडाइसिस आपने पढ़ा है माइनस इलेवन है एंड प्लस थ्री है दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा तो भाई टेन टू द पावर माइनस एट आ गया यहां अब मुझे एक बात करनी है ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं वो जो डेसिमल है ना फोर्टी पॉइंट जीरो टू का वो पॉइंट मुझे एक स्पेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है ठीक है शिफ्ट करना है मतलब क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली फोर्टी पॉइंट जीरो टू को डिवाइड बाय टेन कर रहा हूं बराबर तो अगर मैं डिवाइड बाय टेन कर रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई बाय टेन भी करना पड़ेगा तो टेन टू द पावर माइनस एट कितना होगा टेन टू पावर माइनस सेवन हो जाएगा तो देखो बच्चों एक 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 तो यहां पे मिलेगा हमें पावर माइनस नहीं समझे? और और बार, एक और बार। क्या किया किया by 10 किया। इक्वेशन में? एंड दोनों करना है ना दैट वैल्यू चेंज फोर्टी पॉइंट बाई टेन किया तो क्या मिला मुझे 10 8 10 किया, तो मुझे मिला टेन टू पावर माइनस सेवन और आ गया हमारा आंसर फोर्स का तो उसका यूनिट क्या लिखते हैं हम एन एन मतलब न्यूटन काफी सिंपल है यहां तक तो आंसर देखो भाई क्या आ जाएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट माही एंड विराट कितना है पावर माइनस सेवन न्यूटन यहां तक बात समझ में आई बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है एनिमेशन थोड़े डिफिकल्ट हैं देखो अगर ये चौक बोर्ड पे लिख रहा हूं या फिर स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं तो वो ईजी हो जाता है बहुत लेकिन टू मेक दिस इन टू एन एनिमेटेड फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है कोशिश पूरी की है बच्चों सपोर्ट करना चलिए तो हमारा सेकेंड सम इसके आगे का एक और सोल्ड एग्जाम्पल है अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शन लेस बाकड़ा जो है बेंच है वो फ्रिक्शन लेस है स्मूथ है महेंद्र उस पर इजिली स्लाइड हो सकता है फ्रिक्शन नहीं है कोई रेजिस्टेंस नहीं है ठीक है स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू इज जीरो मीटर पर सेकेंड व्हाट विल बी महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर वन सेकेंड अब मुझे एक बात बताओ भाई इनके बीच में अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है महेंद्र एंड विराट के बीच में तो अट्रैक्शन है तो महेंद्र धीरे 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 विराट की तरफ शिफ्ट होगा मूव होगा ठीक है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर वन सेकेंड ये हमें ढूंढना है ठीक है बच्चों एंड हाउ विल इट चेंज विथ टाइम ये जो वेलोसिटी है वो चेंज कैसे होगी बढ़ेगी कम होगी क्या होगी वो भी आपको बताना है एंड भाई महिंद्रा का मास तो हमें पता है 75 फाइव के जी होता है एंड फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया फोर पॉइंट जीरो जीरो टू इन टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन ठीक है बच्चों सॉल्व करें चलिए देखते हैं गिवन तो काफी ज्यादा सिंपल है टाइम एक सेकेंड का है एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होने वाली है वो हमें ढूंढनी है

ठीक है तो बच्चों पहले हमें एक्सेलेशन फाइंड करना है सोल्यूशन देखते हैं ए इज इक्वल टू अभी एफ का फॉर्मूला पहले डालना है एफ क्या है टू द पावर माइनस सेवन लिख दिया अपॉन एम क्या है सेवन टी फाइव यह भी लिख दिया अब ध्यान से सुनना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं वो जो डेसिमल है ना फोर पॉइंट का वो डेसिमल मैं दो प्लेसेस राइट right में शिफ्ट कर रहा हूं ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या हुआ शिफ्ट कर रहा हूं मतलब क्या हुआ मैं फोर पॉइंट को मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर रहा हूं ठीक है तो यही इक्वेशन को मुझे डिवाइड बाय भी करना पड़ेगा है कि नहीं अगर मैं मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करूंगा तो डिवाइड बाय हंड्रेड भी करूंगा तो टेन टू दावर माइनस सेवन को मैं अगर डिवाइड बाय हंड्रेड करूं तो वो टेन टू द पावर माइनस नाइन हो जाएगा समझ रहे हो बच्चों सिंपल मैथ्स ये भी थोड़ा तो इसका आंसर मुझे क्या आएगा 400 लिख दिया मैंने वो जो 002 का 2 था उसको हटा दो राउंड अप हो गया जाने दो 400 into, 10 टू द पावर -9 ये अपना न्यूमरेटर है एंड उसके नीचे रहेगा हमारा 75 अब सिंपल मुझे कटिंग करनी है भाई 5 से कट करूं चलेगा 5 कितनी बार कैसे कट होगा 75 से चलो 5 1 5 एंड कितना बचता है 25 15 फाइव फिफ्टीन जा सेवेंटी फाइव एंड फोर हंड्रेड को काटो भाई फाइव एट ज़ा फोर्टी एंड एक जीरो है तो एटी आ जाएगा वापस कट करूँगा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन तो थ्री आ गया और एटी को कट करने के लिए फाइव वन जा फाइव थर्टी बचता है फाइव सिक्स ज़ा थर्टी तो भाई आ गया सिक्सटीन अब लास्ट ऑप्शन क्या है तीन से कट करना थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन पॉइंट एक बचता है ना

इन टू वन टाइम इज वन सेकेंड तो इसका आंसर आ जाएगा भाई फाइव पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड यहां तक बात समझ में आए बच्चों काफी, काफी ज्यादा सिंपल है तो आफ्टर वन सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है फाइव पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड यह आ गया अब मुझे एक बात बताओ जैसे ही महेंद्र विराट की तरफ शिफ्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा आर की वैल्यू कम होते जाएगी अच्छा डिस्टेंस कम होगा तो उनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ा फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो भाई वेलोसिटी भी बढ़ेगी स्पीड बढ़ती जाएगी तो जैसे ही महेंद्र विराट की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम यहां तक समझ में आया क्या पूरी कोशिश कर रहा हूं बच्चों सपोर्ट करते रहना चलिए थोड़ा आगे जाते हैं चलिए तो बच्चों देखते हैं अगला ये पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ है इसका ही कंटिन्यूएशन है वही महेंद्र एंड विराट बाकड़े पे बैठे हुए हैं चलिए अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब बच्चों एक्सेलरेशन एक्चुअली बढ़ता है ना हमने बोला जैसे ही डिस्टेंस कम होगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन Assume करो भाई एक्सेलरेशन चेंज हुआ नहीं कितना है टू द पावर माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड चेंज नहीं हुआ तो हाउ लॉन्ग विल महेंद्र टेक टू मूव वन सेंटीमीटर टूवर्ड्स विराट इफ ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब भाई इनको कितना डिस्टेंस मूव करना है एस क्या है वन सेंटीमीटर

अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करेंगे फाइव वो पॉइंट थ्री थ्री है उसको भूल जाओ हटा दो तो हम क्या यूज करेंगे टू द पावर माइनस नाइन ठीक है बच्चों चलिए दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस मूव होने वाला है वन सेंटीमीटर का अब बाकी चीजें मीटर में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है ना एक्सेलरेशन तो ये सेंटीमीटर का मुझे मीटर करना पड़ेगा हमेशा याद रखना भाई सेंटीमीटर का मीटर कैसे होता है डिवाइड बाय हंड्रेड करके तो इसको मैं वन अपॉन हंड्रेड मीटर लिख सकता हूं एकदम सिंपल भाषा में वन सेंटीमीटर क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है बच्चों वन अपॉन हंड्रेड मीटर आ गया ये फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो रहने वाली है महेंद्र रेस्ट पे थे रेस्ट पोजिशन पे थे मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है जीरो है अभी फाइंड क्या करना है हमें टाइम फाइंड करना है तो एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और हमें टाइम फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वाला फॉर्मूला कौन सा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस करने वाले फॉर प्रॉब्लम चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं बहुत S का हमने लिखा है मीटर में, में किया वन ऑफ हंड्रेड मीटर यू इंटू टी यू क्या है भाई जीरो इंटू टी यू टी प्लस हाफ का वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं अभी फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन फाइव पॉइंट थ्री थ्री नहीं लिखेंगे एंड लिखेंगे. इन t स्क्वायर इतना बेसिक हमने लिख दिया चलिए तो वन अपॉइन हंड्रेड इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा जीरो इंटू टी क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ना जीरो हो गया वैल्यू प्लस हाफ इंटू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन अभी हाफ इंटू फाइव पांच का आधा कितना होता है टू पॉइंट फाइव तो यहाँ पे मैं सीधा 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन इंटू टी सकता हूं यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों काफी सिंपल अभी भाई टी right में रखेंगे एंड ये 2.5 माइनस नाइन है उसको हम लेफ्ट में ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वन अपॉन हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन देखो नीचे चला गया इज इक्वल टू टू टी इतना बचा है यहां पे अभी टेन टू द पावर माइनस नाइन को मैं ऊपर भेज सकता हूं न्यूमरेटर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना टेन टू द पावर नाइन हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे टू द पावर ठीक है ऊपर चला गया एंड नीचे भाई हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव कितना होता है टू फिफ्टी तो यहां तक बात समझ में आई ठीक है टी स्क्वल टू अभी मुझे एक बात बताओ टेन टू द पावर माइनस नाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं थाउजेंड इन टू टेन टू द पावर सिक्स थाउजेंड मतलब टेन टू द दावर थ्री वही है वैल्यू वही है सिर्फ हमने उसको थोड़ा सेपरेट करके लिखा टू द पावर अपॉन था तो डायरेक्ट टू फिफ्टी से कट करेंगे टू फिफ्टी वन जा एंड इसको काटा तो कितना हो गया फोर टू फिफ्टी फोर जा थाउजेंड ठीक है तो भाई टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिली है देख लो भाई फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स तो भाई मुझे टी फाइंड करना है तो मैं उसको अंडर रूट डाल दूंगा भाई तो रूट ऑफ फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स फोर का रूट क्या होता है टू टेन टू द पावर सिक्स का रूट हो जाएगा टेन टू दावर थ्री ठीक है तो भाई आ गया वैल्यू टू इंटू टेन टू द पावर थ्री कितना होता है टू इंटू टेन टू द पावर थ्री मतलब टू थाउजेंड हो जाएगा तो भाई यहां पे मुझे क्या लगेगा टू थाउजेंड सेकेंड लगेगा तो बाकड़े पे बैठे हैं महेंद्र एंड विराट अभी वन सेंटीमीटर मूवमेंट दिखाने के लिए महेंद्र विल टेक to टू थाउजेंड मतलब हैं महेंद्र भाई को एक सेंटीमीटर मूवमेंट दिखाने के लिए ये एक सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा हो गया बट अज्यूम करो एक सेंटीमीटर मूवमेंट के लिए टू थाउजेंड सेकेंड लग रहे हैं यहां तक समझ में आई बात चलिए थोड़ा आगे जाते हैं चलिए बच्चों तो फोर्थ सम देख लेते हैं मास ऑफ अर्थ एंड मून आर गिवन बाय अर्थ का मास है सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी एंड मून का मास दिया है सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू के जी ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन कितना है भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव किलोमीटर अभी ये किलोमीटर में है तो इसको हमें मीटर में, में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू इनके बीच में कितना प्यार है वो हमें ढूंढना है चलिए शुरू करते हैं गिवन क्या है बताइए आर का वैल्यू डिस्टेंस कितना थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव किलोमीटर किलोमीटर को बनाएंगे मीटर कैसे बनाएंगे बच्चों वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर तो ये वैल्यू को मैं अगर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड करूं तो टेन टू द पावर फाइव जो है वो टेन टू द पावर एट हो जाएगा ना मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड किया तो. तो मीटर में आ गया हो गया कन्वर्जन काफी सिंपल था मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड किया मास ऑफ अर्थ बताइए सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी मास ऑफ मून एम टू सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू के जी एंड भाई जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है सिक्स पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस न्यूटन मीटर ढूंढना क्या है भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्र सोल्यूशन देखते हैं फास्ट जा रहा हूं क्या नहीं स्लो जाता हूं थोड़ा

थोड़ा आगे जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं रीअरेंज करेंगे थोड़ा। 6 into 6, into सारे एक साइड ले लिए। एंड पावर जो भी टर्म्स उनको मैं एक में ले लिया अपॉन अभी देखो बच्चों थ्री पॉइंट एट फोर का स्क्वायर मैंने किया नोटबुक में लिख कर मेहनत करके मैंने किया आप भी करो पॉज करके करने के बाद आपको शायद वैल्यू आ जाए अगर आपका आंसर राइट right है तो 14.74 10 टू द पावर 16 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई 10 टू द पावर 16 हो जाता है यहां तक तो कोई दिक्कत है कुछ भी नहीं है ना अभी क्या करना है देखो 10 टू द पावर जो 16 नीचे बैठा है डिनोमिनेटर में उसको भेजेंगे न्यूमरेटर में तो वो हो जाएगा माइनस टेन टू पावर माइनस सिक्सटीन हो जाएगा करके देखते हैं अच्छा एक और बात इंटू सिक्स इंटू सेवन पॉइंट आप भी करके देखो तो आपको आएगा टू नाइनटी सेवन पॉइंट फोर एट इन टू टेन टू द पावर माइनस इलेवन है टेन टू दावर ट्वेंटी फोर है टेन टू दावर ट्वेंटी टू भी है एंड भाई नीचे वाला ऊपर आया टेन टू पावर माइनस सिक्सटीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आ गया। अपन, जो हमें अप्रॉक्सिमेशन टू नाइनटी सेवन पॉइंट फोर एट को ले लेंगे थ्री हंड्रेड बहुत मजा आया अभी ऊपर कैलकुलेट करो भाई 10 टू दाइनस इलेवन टेन टू दी फोर टेन टू दी टू इनको जोड़ना है काटना है घटाना है जोड़ दो सबको माइनस इलेवन ट्वेंटी फोर कितना होता है थर्टीन थर्टीन प्लस ट्वेंटी टू कितना होता है थर्टी फाइव थर्टी फाइव माइनस सिक्सटीन नाइनटीन इंटू टेन टू दावर हाँ नाइनटीन आ गया। देखो बराबर है अपॉन फोर्टीन पॉइंट सेवन फोर को लिखेंगे भाई फिफ्टीन करना कुछ नहीं काटना है ना फिफ्टीन वन जा थर्टी होता है तो ट्वेंटी आ जाएगा तो भाई वैल्यू क्या मिली फाइनल ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर नाइनटीन न्यूटन तो हमें मिल गया भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है भाई ट्वेंटी इंटू टेन टू दावर नाइनटीन न्यूटन बिटवीन अर्थ एंड मून मजा आया चलिए थोड़ा आगे जाते हैं तो बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है हमें दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ हमारे पास दो चीजें हैं अर्थ है और सन है अर्थ का मास दिया है सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी ठीक है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड और सन दिया हुआ है कितना है डिस्टेंस आर का वैल्यू क्या है टू द पावर इलेवन मीटर मीटर में ही दिया है तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फिर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड और सन दिया हुआ है कितना है वो फोर्स का वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू न्यूटन यहां तक काफी सिंपल है तो हमें ढूंढना क्या है What is the mass of the sun? M2 का वैल्यू ढूंढ के देना है। है? चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्या है? बताइए। सबसे पहला मास का वैल्यू सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर के जी ठीक है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर है फोर्स की वैल्यू अर्थ एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है 3.5 10 टू द पावर 22 न्यूटन ये हो गया गिवन ढूंढना क्या है मास ऑफ सन m2 ठीक है फॉर्मूला तो वही रहने वाला है फोर्स का फार्मूला g m1 m2 स्क्वायर लेकिन मुझे क्या ढूंढना है m2 ढूंढना है तो मैं ये फार्मूला को थोड़ाRearrange करूंगा कैसे rearrange होगा टू का वैल्यू मुझे मिलेगा एफ इंटू आर स्को आर डिनोमिनेटर में आ गया G M1. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे चलो थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू आ गया इंटू आर स्क्वायर आर का वैल्यू है पावर इलेवन द होल अपॉन जी का वैल्यू क्या है पावर माइनस इलेवन इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर अब तक तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया सिर्फ अरेंज करके रखा है अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं थ्री पॉइंट फाइव को वैसे रखा है कुछ नहीं किया अभी आर स्क्वायर को देखो गौर से देखना वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर इलेवन होल स्क्वायर वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर करो पहले ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है 15 का स्क्वायर होता है 225 तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 होगा कि नहीं होगा लिख दिया अब ऊपर आपको 10 टू द पावर 22 दिख रहा है वो मैंने वैसे ही रखा है एंड 10 टू द पावर 11 का भी स्क्वायर हो रहा है ना तो उसका भी क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 22 नहीं समझा कुछ भी नहीं था बच्चों सिर्फ 1.5 का मैंने स्क्वायर किया है एंड 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर किया ज्यादा कुछ नहीं किया अपॉन साइड में इनटू सिक्स रीअरेंज रे कर रहा हूं कुछ भी नहीं कर रहा हूं इनटू 10 टू द पावर माइनस इलेवन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी ठीक है अभी हमें करना यह है 3.5 पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट टू फाइव इसको आप थोड़ा तकलीफ लेके बिना कैलकुलेटर के अगर मल्टीप्लाई करो कैलकुलेट करो तो आपको मिलता है 7.875 जो मैंने खुद करके देखा झूठ नहीं बोल रहा हूं मैंने किया एंड ऊपर 10 टू द पावर 22 10 टू द पावर 22 कितना हो जाएगा जोड़ दो 10 टू द पावर 44 हो जाएगा अपॉन एक और बार 6.67 6 अगर आप करो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी भाई कितनी मिलेगी मिलेगी बच्चों टेन टू 24 थर्टीन तो हो, हो जाएगा अभी मैं क्या करूंगा पावर थर्टीन को मैं भेजूंगा न्यूमरेटर में ऊपर भेज दूंगा तो माइनस वैल्यू हो जाएगी टेन टू द पावर माइनस थर्टीन हो जाएगा अच्छा अभी मैं Approximate, best part of the entire numerical, है, उसका वैल्यू ले लूंगा मैं 8, आहा, मजा आ गया इंटू टेन टू दावर इन टू टेन टू दावर माइनस का थर्टीन ऊपर आ गया एंड फोर्टी पॉइंट टू को भी मैं ले लूंगा फोर्टी एकदम मजा आया एट वन जाट एट फाइव जा फोर्टी यहां तक सिंपल है चलो तो भाई हमें मिला वन इंटू टेन टू द पावर थर्टी वन वहां पर फोर्टी फोर था एंड माइनस थर्टीन था फोर्टी फोर माइनस थर्टीन कितना होता है टेन टू द पावर थर्टी वन होता है अपॉन फाइव तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इंटू टेन टू द पावर थर्टी कुछ नहीं किया ना वन वन जो था उसका मैंने टेन बना दिया थर्टी वन का थर्टी हो गया वही बात है अपऑन फाइव फाइव वन फाइव फाइव टू जन तो भाई वैल्यू क्या मिलेगी मुझे टू इंटू टेन टू द पावर थर्टी मास है ना ये फोर्स नहीं है पावर थर्टी के जी तो यहां पे आ गया आपका मास ऑफ सन इज टू इंटू टेन टू द पावर थर्टी के जी पूरी कोशिश की है बच्चों न्यूमेरिकल्स पढ़ाने की पहली बार पढ़ा रहा हूं गालियां मत देना आई होप समझ में आया है सपोर्ट करते रहना इसी तरह प्यार करते रहना बच्चों आपको अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को शेयर करना लाइक भी करना वीडियो को एंड एज यूज़ुअल थैंक यू वेरी मच